खेलना चाहता। बस करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हरी कनारी, यहाँ क्या हो रहा है और इतना अंधेरा क्यों है? मिल्की, हाय स्वीटी, तुम पिंजरे से बाहर कैसे निकले? इधर आओ। अच्छी बात है कि तुमने उस डॉक्टर ईविल को पकड़ लिया। सामीन, चलो भी, तुम ऐसे इतने प्यारे फ्लफी को ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे, ये अपनी शरारतों से परेशान करता है रेनबो फ्रेंड फैन। ओहो, मैं तुम्हारा क्या करूं? क्यों ना हम हैमस्टर मेज बनाए, फिर उसको तुम्हारे पास आने का समय नहीं मिलेगा। चलो अब देखना दोस्त, मैं अब तक की सबसे मुश्किल रुकावटें बनाऊंगा। हेलो दोस्तों, हमें हैमस्टर मेज बनाए काफी समय हो गया है और मैं अपनी सबसे सुंदर टेक्सचर्स को खराब करने के लिए भी तैयार हूँ। ना ना ना, रुको, टेक्सचर्स? मैंने सोचा कि हम दीवारों को पेंट करने जा रहे हैं। तुम्हें पता है किसने कहा कि हम दोनों अपनी पसंद को जोड़ नहीं सकते? बाकी दीवारों और फर्श को जोड़ें और पहला कमरा तैयार है। वाह सेव, मुझे ये पसंद आया, मुझे पास से देखना चाहिए। तो यहाँ से मिल्की मेज में एंटर करेगा। सभी चीजों के लिए यहाँ बहुत जगह है और यहाँ इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता है। तुम रुकावटों की बात कर रहे हो, हमारे मिल्की को रेनबो फ्रेंड्स इतने ही पसंद है, तो क्यों ना हम उस वीडियो गेम के कुछ किरदारों को अपनी पहली लोकेशन में रखें, हम इन्हें काट देंगे और उन्हें छोटे डिब्बे में डाल देंगे। ये कमाल है, अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो लाइक करें। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा फ्रेंड। और तुम भी, क्या तुमने मिल्की के साथ मिलकर साजिश की है? मुझे माफ कर दो सैमी, मैं खुद को रोक नहीं पाई और ये आखिरी बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं तुम्हें भी डराने वाला हूँ सूजी। रिसेप्शन डेस्क के बिना कोई एंट्रेंस नहीं होती। रेनबो फ्रेंड्स को रंगीन ब्लॉक पसंद है और हम गेम जैसे ही बॉक्स लगाएंगे, अंदर छोटा सा सरप्राइज डालते हैं। ओह सैमी, देखो मैंने सब कुछ बिखेर दिया। ये अच्छा लग रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ ब्लू? तुम्हें ऐसा लगता है? खैर ठीक है, मुझे दे दो। चलो भी, ब्लू को यहाँ रखो और बताओ आगे क्या करना है। और वहाँ क्या होगा? कुछ खतरनाक या हाथ जो तुम्हें खींच लेंगे। हे नहीं, बस फ्लफी पॉम पॉम बॉल्स। ओह कितना मुलायम है। छोड़ दो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो सूजी? ये तुम्हारी भयानक रुकावट है। ओह चलो भी, देखो कितने सारे हैं। हे दोस्तों, कुछ मजेदार देखना चाहते हैं? अब इस खिलौने को छिपा दो। सामी, देखो ये कैसा बना है। ठीक है, कितनी अच्छी पॉम-पॉम है। ओह सामी, तुम बहुत आसानी से डर जाते हो, हंसी रोक ही नहीं जाती। अरे मैं बस हंस रहा था, मैं भीगी बिल्ली नहीं हूँ। वाह, ठीक है डेयरडेविल, जब हम बात कर रहे थे मुझे पता ही नहीं चला कि आपने पहली जगह कब बना ली, तो अब दूसरी जगह की ओर बढ़ते हैं और यहाँ मिल्की के लिए सबसे पहली रुकावट है स्प्रिंग टनल। वाह, मुझे रेनबो स्प्रिंग बहुत पसंद है। और जब तक सेव क्राफ्ट बना रही है, आप लाइक करें। बाकी कमरों का क्या? सेव टनल में से मिल्की पाइप्स में जाएगा। हॉप, हे ट्रिक ने काम क्यों नहीं किया? पाइप के साथ काम करने के लिए तुम्हें एक माहिर की जरूरत है, मेरा मतलब सामियों की। ठीक है, एक और ट्विस्ट, सब हो गया सिनेरेटा बला। वाह ये बहुत बढ़िया है, मुझे उम्मीद है कि मिल्की यहाँ से बिना नेविगेटर के निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ये ट्रिक तुम्हें दिखानी है। हाँ वाह, आखिरकार ये हमारा आसान तरीका है। सच में बहुत मजेदार है, बस कहीं मत जाना। खैर ठीक है, मुझे लगता है ये सुरक्षित है, अब मिल्की यहाँ से नहीं गिरेगा। वाह, टू फ्लोर लोकेशन, क्या सच में? क्यों, क्या आप तुम हैमस्टर को मेज में बिजी नहीं रखना चाहते? तो मैं इस पर काम कर रही हूँ, हमें ढेर सारी मुश्किल रुकावटों की जरूरत है। हाँ, और क्या तुम्हें लगता है कि बच्चों की स्लाइड उसमें से एक है? देखो मैंने कितनी जल्दी पार कर लिया। अगर आपको भी स्लाइड पसंद है तो लाइक करें दोस्तों। क्या तुम सब कुछ वापस जगह पर रख सकते हो और मैं मैकेनिज्म का काम करती हूँ? क्या तुमने मैकेनिज्म कहा? हाँ कैरोसिल घुमाने के लिए, चलो देखते हैं। हाँ, सब कुछ काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सामान काफी है सिर्फ। ये लो। ये हुई ना बात। इसे जोड़ना है और तीसरी जगह भी तैयार है और ऐसे ही हमारा मिल्की आगे बढ़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको चौथी लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ। क्या, मुझे माफ करना, बस एक सेकेंड। एक बार, लोकेशन नंबर चार। शुक्रिया, मैंने इसे खुद डिजाइन किया है। पहले हैमस्टर ट्रिपल सस्पेंशन ब्रिज को पार करेगा, नीचे कुछ खतरनाक स्पाइक्स हैं। सामी तुम क्या कह रहे हो, ये काफी मुलायम है। मैं यहाँ सही माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ आया? ठीक है अब बेहतर है। खैर,
आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग रोलर से उतरते हुए हमारा हीरो मेटल स्लाइड्स पर पहुंच जाएगा। फिर से ये सिर्फ एक टेक्सचर है, ये कार्डबोर्ड से बना है। नहीं, माफ करना सामी, तुम करते रहो। मिल्की चार दीवारों से जाएगा और बस खत्म। अगला काम है ये दो हिस्सों वाला कमरा। मिल्की टनल से निकलेगा और फिर टडा। और बाकी का सामान कहाँ है? और स्प्राइट। स्मार्ट स्लाइम कौन है? मैं स्मार्ट स्लाइम हूँ। सामी, तुमने मेरी जगह क्यों खराब की? चलो भी, मैंने सोचा तुम्हें अभी भी इसमें फर्श बनाना है, तुम खुद देख लो इतने सारे छेद। ओह बेवकूफ, ये ऐसे ही है। मिल्की सिर्फ होल से निकलेगा ही नहीं पर वो गिरने से भी बचेगा। तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? दोस्तों स्यू के लिए लाइक करें। ये देखो और ये जगह भी तैयार है, लेकिन हैमस्टर इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। हाँ खैर, मैकेनिज्म चेक करते हैं, इतना काफी होगा। मिल्की यहाँ से जाएगा और फिर सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर जाएगा और फिर उसका काम होगा। हाँ, सभी रुकावटों से कूद कर जा रहा होगा। हाँ, जैसा मैंने किया। हैमस्टर यहाँ से जाएगा, वो तुम्हारी तरह इतना ऊंचा नहीं कूद सकता। तो उसे स्प्रिंग लगाने दो, मैंने यही कहीं देखा था। मुझे याद आया, ये रहा। तुम क्या कहते हो सियो? ओह, हमें सच में इसकी जरूरत है। हम देखेंगे कि मिल्की जल्दी इस पर कैसे उछलेगा। सामी, वो नहीं कूदेगा, लेकिन जो कुछ भी तुमने कहा ऐसी जगह के लिए इंस्पायर करती है। वाह सियो, एक तीन मंजिला घर। मुझे उम्मीद है कि मिल्की को ऊंचाई से डर नहीं लगता होगा। तुम्हारी बातों से लग रहा है, अगर वो डरेगा तो तुम खुश होगे। तो दूसरी मंजिल पर हम बैरियर्स लगाएंगे। हमारा मिल्की एक स्मार्ट हैमस्टर है, तो आसान क्यों बनाए? अच्छा, इसे मुश्किल बनाते हैं। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? और यहाँ हम मैकेनिकल मशरूम जैसा कुछ रखेंगे। सामी, डिटेल्स कहाँ है? क्या मैकेनिकल मशरूम? मैं समझा नहीं, मुझे ये मिला है सियो, ये लो। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अब ये कैसा है? नहीं, चलो दूसरी तरह से कोशिश करें। वाह, ये काम कर गया। और हमें ऐसे तीन मशरूम चाहिए। बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं खुद कुछ करूँगा। ये देखो सियो, चलो भी बस थोड़ा सा और। वाह दोस्तों, इन सुंदर दीवारों को देखो। और ये रहा रुकावटों का सामान, क्या तुम इन्हें लगाने में मेरी मदद कर सकती हो सुजी? हाँ बिल्कुल। इस बीच मैं अपनी मेज को देख कर आया। तो इस दीवार को इस तरह से लगाते हैं और फिर। ओ मेरे भगवान, सामी क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? ये फिर से मिल्की था। ओ, बेचारा सामी। ठीक है, चलो उसके लिए भी एक स्केयरक्रो बनाते हैं, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। खैर, ऐसे गार्ड से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है। ओह सुजी, कितनी बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो पहले इसका टेस्ट करें। चलो भी इधर मिल्की, चलो भी। चलो उसे हैमस्टर ट्रीट दें, उसे बहुत पसंद है, हम इन्हें यहाँ रखेंगे। हाँ, मैंने कहा था ना। अरे तुम बहुत शरारती हो मिल्की। अब सब कुछ तैयार है, तो हम शुरू करें। और मेज के पहले कमरे में रेनबो रिसेप्शन है। खैर, उसने बॉक्सेस में पड़े हुए कैरेक्टर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। रुको, उसे घूमने दो। फ्लफी पॉम पॉम में फ्लफी मिल्की। चलो उसे डराते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इतना नहीं डरा कि वो व्हील पर भागना भूल जाए। थोड़ा और, चलो भी दोस्त। और मिल्की टनल में आ गया। हुर्रे, बहुत तेज था। मैंने इसे मुश्किल बनाने की कोशिश की थी। हे, वो चीटिंग कर रहा है, उसने पास कर लिया। शांत हो जाओ सामी, वो एक होशियार हैमस्टर है और तुम ये जानते हो। चलो स्वीटी, तुम लगभग पहुंच गए। शाबाश। ये चढ़ाई है सियो, और उसे ये पसंद आया। और फिर नीचे। ऐसा लगता है किसी को डाइट की जरूरत है। वो बस इस सिमुलेटर पर ट्रेन करेगा और कुछ ग्राम कम कर देगा। ऊपर चढ़ रहा है और अब ये जगह। ओह, ब्रिज कैसे हिल रहा है, मैं डर गई हूँ। अच्छी बात है, मिल्की मेरी तरह बहादुर है। चलो चांद। वैसे वो काफी तेजी से जा रहा है और बहुत शान से, और ये मेटल स्लाइड्स भी उसे रोक नहीं पा रही। खैर, देखते हैं कि वो आगे कैसे करता है। हाँ, मैं उसे देख रहा हूँ। देखो देखो।
मैं सोच रही हूँ, पता नहीं वो अब क्या सोच रहा है, शायद यहाँ से बाहर निकलने के लिए और तुमसे बदला लेने के लिए सैम। हेलो, ये सब ट्यूब्स तुमने लगाई थी क्या? तुमने सुना मिल्की, ये सब मेरी करामात नहीं है। ध्यान से, वो गिरने वाला था। बस थोड़ा और क्यूटी। हाँ जाओ मिल्की, जाओ मिल्की। अब किसी को शाबाशी मिलेगी। सामी, क्या तुमने उसे देखा? वो माहिर है। अब आगे क्या? बहुत आसान है। अरे मुझे नहीं पता, इस स्प्रिंग से जाना ही होगा। उफ, ध्यान से, क्या तुमने देखा कि उसका पंजा फंसने वाला था? हाँ हाँ मैंने देखा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वो लगभग पहुँचने ही वाला है। जब वो इस तरह मुड़ता है तो मुझे अच्छा लगता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह नहीं सुजी, उसने सब कुछ तोड़ दिया। कोई बात नहीं सामी, हम इसे बाद में ठीक कर लेंगे। वो चीटिंग कर रहा है। कितना शरारती हैमस्टर है। और मिल्की आगे पहुँच गया। ओह नहीं, आगे रास्ता बंद था और मिल्की को फिर से सही रास्ता मिल गया। यहाँ कितने सारे रेनबो फ्रेंड्स हैं, वो उन्हें भी पार कर लेता है और उसने कर दिखाया। चलो मिल्की, अब तो मुझे और नहीं डराओगे। इधर आओ, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको और हैमस्टर वीडियोस चाहिए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। बाय बाय।